हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक्ट एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। तो इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ समान हर वाला और असमान हर वाला दोनों सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, दो सवाल यहाँ पर लिए हुए हैं जिसका क्या है, हर समान है। ठीक है, आपको बता दूँ, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं, यानी कि इसमें एक क्या है अंश है, दो क्या है हर है। तो यहाँ पर देखिए, हर क्या है समान है, और यहाँ पर भी हर क्या है समान है, लेकिन नीचे में दो सवाल है, ये क्या है, इसका हर असमान है। ठीक है, इसका हर क्या है असमान है। तो सबसे पहले हम लोग समान हर वाला को सॉल्व करेंगे, फिर असमान हर वाला को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है बराबर का चिन्ह से दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक बटे दो और तीन बटे दो को जोड़ना है, और दोनों का हर क्या है समान है। जब हर समान रहे तो हर को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना, हर कितना है दो है, तो यहाँ पर दो लिख दीजिए। अब अंश को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो अंश यहाँ पर देखिए कितना, एक है, और यहाँ कितना है, तीन है। तो एक में तीन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो तीन एक कितना हो जाएगा, चार बट दो, और ये देखिए कट जाएगा, दो एकम दो, दो दुना चार, यानी दो के टेबल में चार कितना मरतबे में आता है, दो मरतबे में, और दो कितना मरतबे में, एक मरतबे में। तो इसी को हम लिख सकते हैं दो बटा एक, और ये हो गया आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व किया जाएगा। यहाँ देखिए दो और दो का, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि हर क्या है समान है। जब हर समान रहता है तो हर को यहाँ पर लिख देते हैं, लिख दिए। अब क्या करेंगे, अंश को आपस में जोड़ देंगे। तो अंश क्या है, पाँच है, और जोड़ कितना, नौ है। तो नौ में पाँच जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, नौ पाँच चौदह हो जाएगा, बट दो, दो से जो है ये चौदह कट जाएगा, कितना मरतबे में, तो सात मरतबे में। इसको लिख सकते हैं सात बट एक, और ये हो गया आंसर। चलिए दूसरा टाइप का सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए इन दोनों सवालों का क्या है, हर असमान है। जब हर असमान हो तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको क्या करना है, हर जो है, ये देखिए यहाँ पर हर चार और आठ, इनका एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, ये हर चार और आठ का एलसीएम ले लेना है। तो चार और आठ का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने के लिए आपको मालूम है ना, यदि एलसीएम निकालने के लिए नहीं होता है तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, हम पहले ही एलसीएम का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आसान तरीका से एलसीएम बना सकते हैं। यहाँ देखिए चार और आठ का हमें एलसीएम निकालना है, तो दो से लगाएंगे, दो को पढ़ना है कितना मरतबे में, चार होगा, तो दो मरतबे में, फिर दो को पढ़ना है कितना मरतबे में, आठ होगा, तो चार मरतबे में, फिर यहाँ पर दो से लगाएंगे, तो दो एकम दो, दो दुना चार, फिर यहाँ पर दो से लगाएंगे, तो दो एकम दो। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना हो गया, तो एलसीएम हो गया दो गुना दो गुना दो, यानी दो दुना चार दुना आठ, यानी चार और आठ का एलसीएम कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। अब इस हर जो यहाँ देखिए, हर कितना है यहाँ पर, चार है, इस चार को पढ़ेंगे कितना मर्तबा में आठ होता है। ठीक है, तो चार एकम चार, चार दूना आठ, दो मर्तबे में आठ हुआ, उस मर्तबों को क्या करेंगे, अंश के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, तो अंश तो तीन है, तो तीन को दो से गुना कर देंगे, मर्तबा जो दो आया है उससे क्या करेंगे, अंश को गुना कर देंगे, तो तीन दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर छः हो जाएगा, और यहाँ प्लस का चिन्ह है। फिर उसी प्रकार से यहाँ देखिए हर कितना आठ है, और एलसीएम कितना आया है, आठ आया। तो इस आठ को क्या करेंगे, पढ़ेंगे कितना मर्तबे में आठ होता है, तो एक मर्तबे में आएगा। ठीक है, तो उस एक को क्या करेंगे, अंश के साथ गुना कर देंगे, तो पाँच एकम पाँच हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो छः में पाँच जोड़ेंगे, तो छः पाँच कितना हो जाएगा, ग्यारह बट आठ, और यहाँ पर देखिए ये नहीं कटेगा, तो ग्यारह बट आठ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए छः और बारह, ठीक है, इसका हर क्या है, छः और बारह, यानी हर क्या है असमान है, समान नहीं है। तब आपको क्या करना है, ये जो हर छः और बारह है इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो छः और बारह का एलसीएम आएगा बारह। ठीक है, छः और बारह का एलसीएम कितना होगा, बारह। अब इस छः से, ठीक है, बारह में भाग करेंगे, या छः को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, छः के टेबल को पढ़ना है कितना मरतबे में बारह होता है,
तो छ एकम छ, छ दूना बारह, दो मरतबा में तो क्या करेंगे, मरतबा को अंश के साथ गुना कर देंगे। तो अंश कितना है, सात है, तो सात को दो से गुना करेंगे तो सात दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चौदह प्लस, फिर यहाँ देखिए बारह है तो बारह को पढ़ेंगे कितना मरतबा में, बारह होगा तो एक मरतबा में, तो ये क्या होगा अंश के साथ गुना हो जाएगा। तो पाँच एकम पाँच, तो चौदह में पाँच जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा उन्नीस बट्टा बारह, ये देखिए यहाँ पर कटेगा तो यहाँ पर ये कटने वाला नहीं है और ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से समान हर वाला और असमान हर वाला भिन्न का जोड़ बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।